टू माई यूट्यूब चैनल नाज ब्यूटी एंड मेहंदी। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंडियन फेस्टिवल मेकअप लुक, और आप ये मेकअप लुक किसी भी ओकेजन पर कर सकते हैं। इतने सारे फेस्टिवल जो है स्टार्ट हो चुके हैं, या दशहरे पे कर सकते हो, दिवाली पे कर सकते हो, न्यू ईयर पे कर सकते हो, या आप किसी भी पूजा में ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज आज मैंने ये मेकअप लुक जो है वो फेस्टिवल के लिए क्रिएट किया है, और स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है कि ये मेकअप लुक आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो। स्पेशल जो लोग बिगनर्स हैं जिनको मेकअप नहीं आता, वो मेरी वीडियो देखकर ऐसा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और गाइज जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप चेक कर सकते हो। तो गाइज चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज़ मैंने अपने फेस को पहले से ही मॉइस्चराइज़ कर लिया था, और अब मैं यहाँ पर ये मेलियो का प्राइमर लगा रही हूँ। बहुत अच्छा प्राइमर है ये, इसके साथ ड्रॉपर है, और मैं ड्रॉपर की हेल्प से इसको लगा रही हूँ और अपने फिंगर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इसके साथ देखिए बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है मेरे फेस के ऊपर। और गाइज़ मैं यहाँ पर यह हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन ले रही हूँ, बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये। इसके साथ जो है हमारा मेकअप ड्यूई मेकअप होने वाला है, और इसको सारे स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको डॉट डॉट करके अपने फेस और नेक पर अच्छे से लगा लिया है, और यहाँ पर मैं इसको एक ब्रश की हेल्प से पूरे फेस के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसके साथ आप ब्लेंडर के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, पर मैं यहाँ पर इसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके साथ गाइज बहुत अच्छा बेस बन जाता है, और ये वाटरप्रूफ भी है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ऑल स्किन टाइप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा ग्लो आ गया है मेरे फेस के ऊपर। मैंने गाइज यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है, और इसको मैं अपनी आईलिड के ऊपर, अंडर आई, नोज़ पर, और मेरे लिप्स के कॉर्नर पर मैं अच्छे से इसको लगा लूँगी, और यहाँ पर मैं अच्छे से इसको ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइज मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और गाइज यहाँ पर मैं ये बेला वूस्ट का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, और मैं अपना कंसीलर और अपना फाउंडेशन इसके साथ अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि मेरा मेकअप जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो गाइज यहाँ पर मैंने लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट, बहुत अच्छा आईब्रो पैलेट है ये, और इसके अंदर दो शेड आते हैं, एक लाइट है और एक डार्क है। तो मैं दोनों को मिक्स करके अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लूँगी, और इसके साथ एक जेल भी आती है, अगर आप चाहे तो जेल भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर मैं स्पूली की हेल्प से इसको अपनी आईब्रोज़ पर अच्छे से सेट कर लूँगी। दोनों आईब्रोज़ मेरी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर मैंने हुडा ब्यूटी का ये न्यूट पैलेट लिया है, और यहाँ पर मैं इसमें से लाइट पिंक कलर लेकर अपनी आईलिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने हिलारे हुडा का पैलेट लिया है, इसके अंदर से मैंने ये डार्क गुलाबी कलर लिया है, और मैं इसको अच्छे से विंग लाइनर बनाते हुए अपनी आईज़ पर इसको अप्लाई करूँगी। आउट ऑफ कॉर्नर पर ही इसको अप्लाई करना है, ज़्यादा नहीं मैंने इसको अप्लाई किया, और हाफ आईज़ पर ही इसको हम अप्लाई कर लेंगे। अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है गाइज। यहाँ पर मैंने ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर लिया है, इसका गोल्डन कलर का शेड है, और बहुत अच्छा ये वाटरप्रूफ कंसीलर है ये। मैं इसको अपनी हाफ आईज़ के ऊपर अप्लाई कर लूँगी, और दोनों आईज़ के ऊपर मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पर मैं ये लैक्मे का आईलाइनर ले रही हूँ, बहुत अच्छा आईलाइनर है ये, और मैंने इसको अपनी आईलिड के ऊपर लगाया है, और मैं यहाँ पर हल्के से इसको बस थोड़ा सा विंग लाइनर बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, और बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाऊँगी, मीडियम लगाऊँगी, ज़्यादा ना मोटा लगाऊँगी और ना ज़्यादा पतला लगाऊँगी। और मैंने ये हिलारे हुडा का पैलेट लेकर जो अपनी आईज़ के ऊपर कलर लगाया था, वही कलर मैं अपनी आईज़ के नीचे लगा रही हूँ, वाटर लाइन पर हाफ लगाऊंगी मैं। और यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का ये वाटरप्रूफ काजल लिया है, ब्लैक कलर का काजल है ये, और मैं अपनी आईज़ के ऊपर इसको अप्लाई कर लूँगी। दोनों आईज़ पर मैंने अप्लाई कर लिया, और ये मैंने स्विस ब्यूटी का ग्लिटर जो ऊपर लगाया था, मैंने वही लगाया है अपनी आईज़ के नीचे। और यहाँ पर मैं ये ब्लशर लगा रही हूँ। मैंने ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है, और अपने आईब्रोज़ के नीचे मैं गोल्डन शेड लेकर इसमें से अप्लाई कर लूँगी, और इसी में से मैं एज ए हाइलाइटर इसको यूज़ कर रही हूँ, ब्रिज ऑफ द नोज़ और लिप्स के ऊपर, और थोड़ा सा चिन पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। और मैंने फैन ब्रश लिया है, फैन ब्रश की हेल्प से मैं अपने चीक्स बोन पर अच्छे से इसको हाईलाइट कर लूँगी।
और गाइज यहाँ पर मैंने बायोटिक का लिप बाम लिया है। लिपस्टिक लगाने से पहले आप भी अपने लिप्स को ज़रूर मॉइस्चराइज कीजिए। यहाँ पर मैंने लिक्विड लिपस्टिक ली है, ये रेड कलर की है और मैंने इसको अपने लिप्स पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है और बस मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। और आप देख ही सकते हैं मेरा बेस कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा मेरा ड्यूई मेकअप हुआ है। अगर आप ड्यूई मेकअप करना चाहते हो तो आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिए, किसी भी फेस्टिवल में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप बहुत इजीली इस मेकअप को क्रिएट कर सकते हैं। गाइज़ अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से मेकअप करोगे तो पार्टी में किसी की नज़र आपसे नहीं हटेगी, तो गाइज़ इस मेकअप लुक को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो गाइज आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी और मेरा मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।